हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यौन ढकाल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टाइपिंग वर्क के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको ट्रांसलेट करना होगा, यानी कि ट्रांसलेशन का वर्क आप लोगों को मिलने वाला है। तो यहां पे आपको किस तरीके से वर्क मिलेगा, एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर आपको इंग्लिश टू स्पेनिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कोई भी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप करना चाहते हैं ट्रांसलेशन का वर्क, आप यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश टू स्पेनिश अगर आप करना चाहते हैं तो $0.06 पर वर्ड मिलेगा आप लोगों को। अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे आपको जितने भी लैंग्वेज हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अरबिक, इंग्लिश, बंगाली, बुल्गेरियन, कैटलान, चाइनीज़, चेज, डेनिश, इंग्लिश, ब्रिटिश, किसी भी लैंग्वेज पे आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का वर्क पा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए और हिंदी को सेलेक्ट कीजिएगा। इंग्लिश टू हिंदी अगर आप ट्रांसलेशन का वर्क करते हैं तो आपको $0.03 अर्न करेंगे पर वर्ड के हिसाब से आपको मिलेगा। $0.03 पर वर्ड आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश टू हिंदी अगर आप ट्रांसलेशन का वर्क करते हैं। ट्रांसलेशन मतलब आपको कुछ ऑडियो दिया जाएगा या कुछ लिखा हुआ दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, या ऑडियो में करना होगा या टाइप करके आप लोगों को करना होगा। दोनों में से कोई एक वर्क आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आपको पैसा, देखिए यहाँ पर बहुत से आपको ऑप्शन मिलेंगे काम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी यहाँ पे आपको प्लान को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस में चले जाते हैं, ये आपको प्लान खरीदना नहीं है, बस आपको किस प्लान से करना है, आपको जब आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे उसी टाइम पे आपको प्लान को सेलेक्ट करना होगा। एडवांस में करेंगे तो इंग्लिश टू हिंदी $0.06 आप लोगों को मिलेगा। इसी तरीके से आप ट्रांसलेशन का वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांसलेशन का वर्क मिलेगा। और आपको सबसे नीचे चले आना है, और नीचे चले आना है यहाँ पे। जैसे आप नीचे चले आएंगे, बीकॉम आर ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे आपको देखिए ज्वाइन आवर ट्रांसलेशन टीम, यहाँ पे आपको बीकॉम आर ट्रांसलेटर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ध्यान से समझिएगा अब आप इस चीज़ को। अब आपको ट्रांसलेटर का वर्क चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं कस्टमर टू ऑर्डर ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर। यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर का वर्क चाहिए तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देंगे और क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए इस वेबसाइट का नाम है jinjo.com, यानी कि GENGO jinjo.com इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन का वर्क मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस जो है वो देंगे, आप यहाँ पे पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और क्रिएट अ न्यू जिनजो अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं तो आप साइन अप विथ गूगल से भी कर सकते हैं, साइन अप विथ फेसबुक से भी आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा वेबसाइट आप लोगों के लिए है। यहाँ पे आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा, वहाँ पे आपको जैसे आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, मतलब आप काम करना चाहते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का वर्क करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। जब तक आप इस टेस्ट में पास नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर वर्क नहीं मिलेगा। आपको 3 बार ट्राई करने के लिए दिया जाएगा, 3 बार अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को दिया जाएगा। अगर फर्स्ट में आप फेल्ड होते हैं तो सेकंड में फेल्ड होते हैं तो थर्ड, अगर आप थर्ड में भी फेल्ड हो जाते हैं तो आपको फिर से 1 महीना वेट करना पड़ेगा दूसरा टेस्ट के लिए। ये बात जान लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टेस्ट आप अनसक्सेस कर जाते हैं तो आपको 72 घंटे के बाद ही दूसरा टेस्ट का मौका मिलेगा। इसीलिए पहला जब आप टेस्ट देंगे ध्यान से दीजिएगा। सिंपल सा टेस्ट है, आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिया जाएगा, उसको आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा ट्रांसलेट किया होगा, उसी चीज़ को आपको ट्रांसलेट करना होगा। वहाँ में से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही ट्रांसलेशन है, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो जैसे आपने वहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया, अपना ईमेल आईडी डाला, वैसे आपको प्लीज़ चेक योर ईमेल, वी हैव सेंट यू अ लिंक इन योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट। उसके बाद आपको एक अकाउंट भेजा जाएगा, उसमें ईमेल में आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक पे आपको सीधा क्लिक करना होगा। तो जो मेल है उस मेल को आपको सबसे पहले देखना होगा। देखिए मेरे पास मेल आ चुका है, एक्टिवेट योर अकाउंट लिख के दिखाई देगा, एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सीधा उसी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, jinjo.com की वेबसाइट पे ये लेके चला जाएगा। वहाँ पर जाके अब आपको टेस्ट देना होगा।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना होगा, आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, एड्रेस आपका यहाँ पे फिलअप करना होगा, उसके बाद आपका टाइम जोन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको टैक्स डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, डू यू लाइव इन द US में नो करना होगा आप लोगों को, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लास्ट नेम आपका जो है वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जैसे लास्ट नेम जो है और फर्स्ट नेम आप सेलेक्ट करेंगे, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, इसके बाद आपको टाइम जोन यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टाइम जोन। टाइम जोन में आपको देखिएगा, टाइम जोन में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा एशिया, इसी तरीके से आपको ध्यान से देखिएगा टाइम जोन आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इस चीज़ को आपको जानना होगा। तो इंडिया से है तो आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा UTC+0530 एशिया, कोलकाता को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डू यू लाइव इन द US, ये बोलेगा तो नो करेंगे, आर यू US सिटीजन, इसके भी नो करेंगे और कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव, आई एम अ न्यू ट्रांसलेटर, ये भी आप कर सकते हैं, कैजुअल ट्रांसलेटर, स्पेशलिस्ट ट्रांसलेशन कोई भी आप कर सकते हैं। तो आई एम अ न्यू ट्रांसलेटर पे आपको क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको इस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना होगा, प्रीफर्ड ट्रांसलेशन टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपको कौन सा टॉपिक पे आप ट्रांसलेशन का वर्क करना चाहेंगे, कोई भी 3-4 टॉपिक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या है, इसको आपको सेलेक्ट करेंगे, जो भी है इन फील्ड ऑफ स्टडी को आप सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब आपको इस चीज़ को ध्यान से समझना होगा। देखिए आप कौन से लैंग्वेज में करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सेलेक्ट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में आप करना चाहेंगे इंग्लिश का, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश टू यहाँ पे हिंदी आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे भी बंगाली सब लैंग्वेज आपको दिखाई देगा, असमीज, लेकिन अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश टू हिंदी, जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी और यहाँ इंग्लिश टू हिंदी में आप करेंगे और शो टेस्ट का बटन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको इस चीज़ का दिखाई दे रहा है, अब आपको कुछ नहीं करना है, प्री टेस्ट, स्टैंडर्ड, प्रो टेस्ट दिखाई देगा, इंग्लिश टू हिंदी टेस्ट होगा आपका। यहाँ आएंगे, यहाँ पे स्टार्ट बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको टेस्ट स्टार्ट होगा, अब इस टेस्ट को ध्यान से आपको पढ़ना होगा, समझना होगा कि आपका टेस्ट क्या होने वाला है। तो 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, यहाँ ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ट्रांसलेशन के लिए, ऊपर जो लिखा हुआ है उसी के हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। अब देखिए इस चीज़ को ध्यान से पढ़कर आपको टेस्ट देना होगा, जो इंग्लिश में लिखा है वही चीज़ हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, 5 ऑप्शन दिया गया है, कोई भी एक ऑप्शन सही होगा उस पर आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर फेल्ड होते हैं तो आपको दूसरी बार भी ट्राई करने का मौका दिया जाएगा। ये पूरा अभी मैं आप लोगों को पढ़कर नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं अपने हिसाब से इन सबको ट्राई करूंगा। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, सबमिट आंसर का बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कोई भी एक में करेंगे, कन्फर्म पे करेंगे और सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे, फिर ये तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे, तो वी आर गोना मेक सम गुड इस तरह से दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे, ये करेंगे। अब 5 क्वेश्चन आपको 5th नंबर का है, ये आपको ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ लंका ये दिखाई देगा, कन्फर्म करेंगे, सबमिट आंसर पे क्लिक करेंगे, टेस्ट रिजल्ट फेल्ड सीधा आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट रिजल्ट फेल्ड है, मैंने ऐसे ही कर दिया, इसलिए आप सही तरीके से एक एक चीज़ को समझ कर इस टेस्ट को दीजिएगा। तो यू में रीटेक द टेस्ट आफ्टर 72 आवर्स, यू हैव 2 अटैम्प्ट रिमेनिंग, अभी मुझे 72 घंटे के बाद फिर दूसरा मौका दिया जाएगा, मुझे टोटल 3 बार मौका दिया जाएगा इस टेस्ट को देने के लिए। अगर आप इस टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, पास करते हैं, तो यहाँ टेस्ट रिजल्ट में पास लिखा आएगा, उसी वक्त आपको यहाँ पे वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, आप यहीं पर काम करके पैसे को अर्न कर सकते हैं। तो ये अच्छा सा वर्क और वेबसाइट आप लोगों के लिए है, अभी के अभी जाइए, साइनअप कीजिए, टेस्ट दीजिए, हो सकता है आपके यहाँ पे वर्क हो जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।